हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। ईशा नाम है टिचिन विद चवलजीत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल कद्दू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद है तो बेटा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर जाकर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इच्छा आपने मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आने से मिलती रहेगी। चलिए जय वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आधे कद्दू तो सिलचट काटेंगे और आधे कद्दू का सिलचट समेत हम काट लेंगे और अच्छे से धोकर वॉश करके रख लेंगे, सूखने के लिए रख लेंगे। अब हम एक प्याज, एक टमाटर और दो हरी मिर्च लेंगे। इन सब को बारीक बारीक काटेंगे। अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर, सरसों तेल डालेंगे, गर्म होने के लिए रख लेंगे। अच्छी तरह से गर्म होने देना तेल। गर्म होने के बाद हम तेल पत्ता डालेंगे और जीरा डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच। सौंफ डालेंगे आधा चम्मच। इसे अब हम भून लेंगे थोड़ी देर, दो तीन मिनट। होने के बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे जो बारीक कटी हुई है, मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसे भी अब हम भून लेंगे चार पाँच मिनट। प्याज भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी अब हम भूनेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, मैंने सवा एक चम्मच डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से नमक तो अच्छी तरह से भून लेंगे तड़के तो भूनने के बाद हमें हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। भुनने के लिए रख लेंगे। जब तड़का अलग हो जाएगा फिर अब हम इसमें कद्दू डालेंगे। जैसे तड़का अलग हो गया हुआ है तेल, अब हम इसमें कद्दू डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मिक्स कर लेना है हमने कद्दू तो। बहुत ही बढ़िया बनने वाली है सब्जी। मिक्स करने के बाद हम प्लेट से ढक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। लगभग 22-23 मिनट लगेंगे सब्जी बनने में। 12 मिनट बाद हम इसे एक बार देख लेंगे सब्जी तो। प्लेट उतार कर देखेंगे 12 मिनट पर। एक बार हिला लेंगे सब्जी को। अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई है, फिर भी मैं हमेशा स्टर करते रहेंगे सब्जी को। ऐसे से एक बार हिला लेंगे सब्जी को, मिक्स कर लेना है। अब हम इसे प्लेट से ढक लेंगे, लो फ्लेम पर ऐसा बनाएंगे सब्जी को, मीडियम टू लो। बारह मिनट हमारे और हो गए हुए हैं। अब हम 12 मिनट बाद और देखेंगे। प्लेट उतार कर देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। एक बार हिला लेंगे सब्जी को। अब हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे एक चम्मच।
गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। अब मसाला एंड में आप डालिए जो सब्जी में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच शक्कर डालेंगे। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे सभी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है, खट्टी मीठी। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यही हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम प्लेट से ढक लेंगे और एक बाउल में डाल लेंगे। आप इसे खा सकते हैं चपाती के साथ और परौंठे के साथ। बहुत ही बढ़िया बनेगी है सब्जी। बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगेगी आपको ये सब्जी और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इसे बनाने का। सो इसी रेसिपी से यार सब्जी बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी बननी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो हलवाई स्टाइल बनी है सब्जी। तो मिल जाएगा ऐसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।